नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ आशीष कुमार। आज बात राहुल गांधी की। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की, और वे क्यों भड़क गए अपने ही नेताओं पर। जी हाँ, विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर घेर रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लगातार इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं और राहुल गांधी लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन राहुल अब अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा पीएम मोदी की सीधी आलोचना ना करने से नाराज हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने ही पार्टी के एक नेता पर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत से नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी आलोचना नहीं कर रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के बहाने गांधी परिवार और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। शाह ने राहुल पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, CWC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति की हालिया बैठक के दौरान वरिष्ठ और युवा सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे पार्टी से बर्खास्त कर दिया। साथ ही शाह ने कहा कि यह दुखद सच्चाई है कि कांग्रेस में नेता अब घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के विपक्षी दलों में से एक के रूप में कांग्रेस को खुद से पूछने की आवश्यकता है। आपातकाल की मानसिकता अब तक क्यों बनी हुई है? ऐसे नेता जो एक वंश के नहीं है, उन्हें बोलने की इजाजत क्यों नहीं है? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? अन्यथा लोगों के साथ उनका संबंध और कम होता जाएगा। दरअसल CWC की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं और उन पर हमला करना जारी रखेंगे। उन्होंने पार्टी के अधिकांश नेताओं पर मोदी की सीधी आलोचना ना करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि ये जानकारी बैठक में मौजूद कई अंदरूनी सूत्रों ने दी है। सूत्रों का कहना है कि CWC के एक सदस्य RPN सिंह ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीनी घुसपैठ पर मोदी की आलोचना व्यक्तिगत ना हो। गांधी और कुछ अन्य लोगों ने इसे मोदी पर टाल मटोल करने वाले सुझाव के तौर पर देखा और वे भड़क गए। वहीं सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आलोचना मुद्दा और नीति आधारित होनी चाहिए। वहीं आज से 45 वर्ष पूर्व कांग्रेस द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है और कहा कि 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने देश में आपातकाल लागू करवा दिया। रातोंरात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन यह कांग्रेस में अनुपस्थित रहा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। यह खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। गौरतलब है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 यानी आज का दिन एक काली तारीख है, जहां इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी और आज इसे 45 साल बीत चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट। नमस्कार।